हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक्नोलॉजी। बिना देर के मैं आप लोगों को अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। क्या है नोटिफिकेशन मैं आपको अभी तुरंत बताऊँगा। आपको मई के फर्स्ट वीक में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें और वीडियो को लाइक करें। उठा सके, वीडियो को देख के समझ सके और ना घबराए। और कोरोना वायरस का कहर जारी है, मास्क लगा कर ही घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को हमेशा धोते रहें, स्वस्थ रहें। चलिए मैं बिना देर के इसको ऑपरेशन नोटिस के लेकर चलता हूँ। यह है रिफाइल एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है, देखिए। यह है स्प्रिंग कैंडिडेट फॉर द कॉन्स्टेबल जी डी इन सी ए पी एफ एन आई ए एस एस एफ एंड द रिलीफमैन जी डी इन असम रिलीफ एग्जामिनेशन 2021। क्या क्या गया है देखिए, विद द शेड्यूल पब्लिश ऑन द 25/3/2021 को ही पब्लिश किया गया था कि मतलब एस एस सी जी डी का फॉर्म फिलअप करने के बारे में, या एस एस सी इसका सरकारी रिजल्ट पे इसका दे दिया था नोटिफिकेशन, सब कुछ दे दिया था। विल बी पब्लिश्ड इन द फर्स्ट वीक भाई। अब इसका पब्लिश को रोक के अब इसका भाई के फर्स्ट वीक में आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी मई के फर्स्ट वीक से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एस एस सी जी डी का। इस वक्त की सबसे अच्छी खबर है। स्टूडेंट्स लोग, बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे, अभी तक फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, नोटिफिकेशन सुन बता रहा है, लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, क्या है नहीं है पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ दिया है नोटिफिकेशन डेट मई फर्स्ट वीक, स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मई 2021, लास्ट डेट ऑफ फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2 जून 2021 को लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड डिक्लेरेशन जुलाई में हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम पूरा सही समय पे होगा। अब की बात अगस्त से 25 तक हो जाएगा 2021। और क्या कहते हैं ऐसे फिजिकल डेट जो इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रैंक, क्या कैटेगरी है, किसको कितना रुपया लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी डिटेल इसका देखिए। बीएसएफ सीआरएफ एसआईएसएफ आईटीबीएस एसएसएफ के लिए एसएफ यानी के रिलीफ मैन मस्ट बी हैव पास 10th क्लास इक्विवेलेंट फॉर द रिकॉर्डिंग बोर्ड, मतलब 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। और वैसे स्टूडेंट जो 18 से 23 ईयर के हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सब के लिए अलग दिया गया है। देखिए पूरा डिटेल है यहाँ पर, जो जो सर्विस में पहले से है उसके लिए यहाँ देखिए सब क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, कितना सीट किसके लिए था, टोटल सीट यहाँ पे दिया हुआ, जनरल के लिए कितना है, वैकेंसी टोटल कितना आया, देखिए 50,666 है, फीमेल के लिए भी है 8,307, बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ था। चलिए मैं बताऊंगा इसके लिए क्या कहते हैं तैयारी, आप लोग अभी तैयारी में जुड़ जाए। और एग्ज़ाम पैटर्न मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या पूछता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है 25 नंबर का पूछेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। जनरल नॉलेज जनरल जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इसमें 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं मारना है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। देखिए इसका पूरा डिटेल, फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट सबको दिया गया है, टोटल सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल में क्या पढ़ना है, लिमिनेटरी मैथमेटिक्स क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको। देखिए कट ऑफ क्या है, बिहार में जो है आपको कट ऑफ है, जनरल को 75 लाना पड़ेगा, ओबीसी को लाना पड़ेगा 72, एससी को लाना पड़ेगा 58, एसटी को 70 और एक सर्विस मैन जो है उसको 35 लाना पड़ेगा। बिहार के स्टूडेंट के लिए देख लिए 75 लाना ज़रूरी है जनरल स्टूडेंट के लिए, इसीलिए अभी से आप लोग मेहनत करें और एसएससी जीडी कंप्लीट करें और आप लोग अच्छे पोस्ट पर चले जाएँ। अभी आप लोगों के पास समय है, आप मेहनत कर सकते हो, एग्ज़ाम निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।